अगर आप कोई पुराने जमाने के हॉबीस्ट या सीनियर हॉबीस्ट, यू नो, जो काफी साल से हॉबी में है, एक्वेरियम हॉबी में है, फिश रखते हैं, उनसे अगर ये ग्लो फिश के बारे में आपने राय मांगी या ओपिनियन मांगा, तो शायद सीधा सीधा नकार देंगे, बोलेंगे बस वो नेचुरल नहीं है एंड कोई ओपिनियन नहीं, ठीक है। बट ये बहुत पॉपुलर है एंड मुझे लगता है कि इसके बारे में सही सही जानकारी आपको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। सो आज हम ये ग्लो फिश के बारे में बात करेंगे। ग्लो फिश या ग्लो विडो टेट्रा या ग्लो फिश टेट्रा या ग्लो स्कर्ट टेट्रा, ये सब नाम करेक्ट है, ठीक है। हम इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा है बट आपको जानकारी पूरा पूरा मिलेगा, ये मेरा दावा है, ओके, एंड गारंटी भी है। नाउ ये वीडियो आपको पसंद है, मालूम है मुझे, फिश का वीडियो है, वो भी ग्लो फिश का, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो अच्छा लगा ना, टॉपिक अच्छा है ना, तो लाइक बजाओ, लाइक बजाओ, लाइक बजाओ, फटाफट लाइक बजाओ, जल्दी जल्दी लाइक बजाओ, ओके। एंड ऑफ कोर्स अगर टाइम मिलता है तो फ्री एक और आइडिया देता हूं, सब्सक्राइब भी कर लेना, मजा आएगा, ओके। मुझे ग्लो फिश के बारे में डिस्कस करने से पहले आप तो सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या सेटअप है, ये सैंड वाटरफॉल का सेटअप है सर। हाँ, सैंड वाटरफॉल एक्वेरियम DIY, सैंड वाटरफॉल कैसे बनाते हैं उसका वीडियो नेक्स्ट आएगा, आप देखना, मजा लेना, ओके, मिस मत करना, ठीक है, ट्यून रहो। नाउ इसके लिए सिंपल मेथड है, वो नोटिफिकेशन का बेल दबा दो, आपको पता चल जाएगा जब वीडियो आएगा, आप देख सकते हो, सीख सकते हो, मजा ले सकते हो, ओके। चलो अभी ग्लो फिश टेट्रा। नाउ ग्लो फिश के बारे में डिस्कस करने से पहले क्यों ना हम 8-10 जो प्रॉब्लम्स है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे, वो देख ले, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो देखते हैं। जनरल प्रॉब्लम, ग्लो फिश लाया, मर गया, 2 दिन में मर गया, ओके। मेरा ग्लो फिश खाना नहीं खा रहा है, मेरा ग्लो फिश जाके नीचे जाके बैठ गया है, या ग्लो फिश अग्रेसिव है क्या, ठीक है, वो ग्लो फिश ब्रीड कर सकता है क्या, कौन सा खाना खाएगा, एंड बहुत लोग पूछते हैं कि कितना साल जिएगा, ये सब क्वेश्चंस है, एंड ये सब क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा, अगर एंड तक देखोगे तो फुल टू फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। ये ग्लो फिश बना कैसे, पहला वो इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है विडो टेट्रा या स्कर्ट टेट्रा जो आता है, वो एक्चुअल स्पीशीज वही है, कुदरती वही फिश है, ठीक है। इसको ना कुछ इंजेक्शन दिया गया है, ना कलर इंजेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिश को कोई तकलीफ नहीं हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब इसके जीन्स या DNA लेवल पे जाके ये कलर ऐड किया गया है। एंड क्यों, अमेरिका में बहुत साल पहले पानी को टेस्ट करने के लिए रेगुलर डैनियो फिश को लेके, ठीक है, DNA मॉडिफिकेशन करके उसमें एक ग्लो इफेक्ट दिया गया, बिकॉज अगर पानी का क्वालिटी खराब है, पीने का पानी का या कोई भी पानी का क्वालिटी खराब है, तो वो ग्लो फिश का कलर चेंज हो जाता। ये साइंटिफिकली किया गया था एंड साइंस के लिए किया गया था, हॉबी में भी आने लगा बिकॉज ये कलरफुल है, एंड बिगिनर हॉबीस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा फिश है, इजी टू स्टार्ट, इजी टू कीप, इजी टू मेंटेन। सो नॉट ओनली ग्लो डैनियो आया, ग्लो स्कर्ट टेट्रा, ग्लो विडो टेट्रा, देन ग्लो बेटा फिश भी है, ओके। सो ये ग्लो इफेक्ट फिश को हानिकारक नहीं है, फिश नेचुरल है, उसके कुदरती स्वभाव बरकरार है, ओनली कलरफुल हो गए। नाउ ये सही है या गलत मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, फैक्ट यही है, ओके। नाउ बिकॉज ये मार्केट में इतना सारा बिकता है, चलो इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं, ओके। नाउ
पहला चीज टैंक साइज, ये टैंक 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट क्यूब 30 लीटर पकड़ता है। इसमें आप 5 से 7, अगर छोटे छोटे हैं तो 7, थोड़े बड़े हैं तो 5, उतना फिश अगर आप रखेंगे तो वेरी वेरी गुड। इसके लिए लगेगा एक अच्छा क्वालिटी का फिल्टर जो रेगुलरली फिल्टर करे। फिल्टर में बायोमीडिया होना बहुत जरूरी है। नाउ ये फिश लाने से पहले टैंक और फिल्टर लेके आओ, साइकिल करो, पानी को साइकिल करो, बायोमीडिया डाल के, बैक्टीरिया डाल के, फिर एक हफ्ते बाद फिश लेके आओ, देन फिश जल्दी नहीं मरेंगे, नीचे जाके बैठ नहीं जाएंगे। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों में बता रहा हूं, देखते रहो। ये फिश का साइज क्या होता है या बड़ा होके कितना साइज होता है? नाउ कुदरती देखा गया है कि 3 इंच तक ग्रो हो सकता है, लेकिन लेकिन एक्वेरियम में ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 इंच, वो भी टैंक साइज पे डिपेंड करता है। अगर छोटा टैंक और बहुत ज्यादा फिश, देन छोटे ही रहेंगे। अगर बड़ा टैंक, कम फिश, उनको स्विमिंग के लिए जगह मिला, तो 2-3 इंच भी ग्रो हो सकते हैं। ये इनका मैक्सिमम साइज है। नाउ ये ग्लोफिश हो या कुदरती इसके जो रिश्तेदार है वो हो, सेम बॉडी शेप, सेम टेक्सचर, फिन्स, सब कुछ सेम है, कुछ भी मॉडिफाइड नहीं है, ओनली कलर चेंज हुआ है। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम, एंड स्वभाव या इंस्टिंक्ट भी सेम है। नाउ ये ग्लोफिश एक्वेरियम में 2 से 3 साल अच्छे से जी सकते हैं एक्वेरियम में, एंड अगर कंडीशंस करेक्ट हो, वाटर पैरामीटर्स करेक्ट हो, अच्छा बायोमीडिया हो, ओवरफीड ना करे, गुड क्वालिटी फूड अगर इसको खिलाए, तो ये 2 से 3 साल 5 तक भी रह सकता है। कुदरती कहा जाता है कि ये 7 साल तक जी सकते हैं, बिकॉज कुदरत में इनको ज्यादा लाइव फूड मिलता है। एंड ऑफकोर्स ग्लोफिश कुदरत में नहीं मिलते हैं, इनके ओरिजिनल जो स्कर्ट टेट्रा या विडो टेट्रा वो ही मिलता है कुदरती, ठीक है। इसके लिए ये जाके आप नदी नाले में मत छोड़े प्लीज। अगर आप घर में लेके आते हो नहीं रख सकते, तो प्लीज वाइल्ड में, कुदरत में, नदी नालों में मत छोड़े, बैड आइडिया। आप वापस शॉप में दे सकते हैं या कोई दोस्त को दे सकते हैं, बट कभी भी कुदरत में ना छोड़े। नाउ ये ग्लोफिश कितने वैरायटी के हैं, क्या क्या टाइप्स के हैं? इसमें ग्रीन कलर है, कुछ सनबर्स्ट रेड बोलते हैं, सनराइज ऑरेंज बोलते हैं, एक ब्राइट येलो है, ब्लू है, पर्पल है, ये सब कलर्स मिलते हैं, एंड उनके लिए फैंसी नाम भी दिया गया है, बट वो सब हॉबी के लिए, बिजनेस के लिए, बट जनरली ये 5-8 कलर मिल ही जाता है। ओके, नाउ इनका जनरल बिहेवियर क्या है, अग्रेसिव है क्या? ओके, सी ये समझना जरूरी है कि टेट्रा फिश अगर उसका नेचुरल स्वभाव देखा जाए, ठीक है, तो ये मीडियम अग्रेसिव है। ओके, अगर ये एक 5-7 के ग्रुप में है तो साथ में मिलके घूमेंगे, शोलिंग करेंगे, वो तो नेचुरल, अगेन नेचुरल स्वभाव। नाउ अगर थोड़ा दूसरे फिश है जो वीकर है, जैसे इसके साथ अगर आपने डैनियोस रख दिया या गोल्ड फिश रख दिया या बेटा भी रख दिया, तो फिन निप करेंगे, तो इनके साथ वो रखना इज नॉट अ गुड आइडिया। ये थोड़ा फास्ट मूविंग फिश है, तो फास्ट मूविंग फिश आप रख सकते हो। टैंक में कौन सा रखना है मैं एंड में बताऊंगा, देखते रहो। ओके, नाउ इन फिश के लिए सॉफ्ट वाटर होना जरूरी है, फ्रेश वाटर होना जरूरी है, पीएच 6.5 to 7, नॉट अ प्रॉब्लम लाइक एनी अदर टेट्रा। बाकी टेट्रा फिश जैसा ही इनको भी पीएच 6.5 से 7 होना बेटर है। टेम्परेचर जो है 23 to 25-26 degrees इज वेरी वेरी गुड, नॉर्मल टेम्परेचर है, आराम से रह सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑफिस स्टैंडर्ड 23 degrees में रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, बट एक्लेमेटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एक्लेमेटाइजेशन के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्यों मरते हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम होता है, वो सब डिस्कस करना है ना हमें, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने सिर्फ एक टेट्रा लेके आते हैं तो देन वो स्ट्रेस आउट हो जाएगा, कोने में जाके बैठ जाएगा, ये प्रॉब्लमेटिक है। ग्रुप में लाओ और सिर्फ टेट्रास रखो ना, ऑलरेडी कलरफुल है, ठीक है, तो टैंक के हिसाब से आप
नंबर ऑफ फिश डिसाइड करके लेके आओ, ओवर भी मत करना, ओवर क्राउड मत करना, ओके? सो नाउ इन टेट्रा को क्या खिलाना चाहिए? नाउ ब्यूटी क्या है, ये ओमनिवोरस है एंड चूजी नहीं है, कुछ भी खाएंगे, ठीक है? ब्लडवर्म्स, फ्लेक्स, या ये वो क्या है, ड्राई ब्लडवर्म्स या यू नो फ्रीज ड्राइड, जो भी आप खिलाओगे वो खाएंगे, बट कॉम्बिनेशन ऑफ वेजी एंड नॉन वेज दोनों होना चाहिए, इनके लिए जरूरत है। नाउ आप अगर पैलेट्स खिलाना चाहते हो तो कोई भी माइक्रो पैलेट्स या माइक्रो या मीडियम पैलेट्स तक खिला सकते हैं, वो फिश के साइज के हिसाब से। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ग्लो फिश टेट्रा अगर ये ग्लो करते रहना चाहिए तो इनका वाटर क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और फूड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर आप कोई लोकल या सस्ता फूड खिलाते हो तो इनका कलर डल होते जाता है और व्हाइटिश होने लगता है, बट अगर आप गुड क्वालिटी का अगर खाना खिलाते हो, हाई प्रोटीन काला खिलाते हो, तो इनका कलर भी अच्छा ग्लो होगा एंड मस्त दिखेंगे, ब्यूटिफुल दिखेंगे। सो फूड का चॉइस करेक्टली करो। नाउ कितना खिलाना चाहिए, एक मछली दो दाना दिन में दो बार, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बेस्ट मेथड, ठीक है? अगर आप दिन में एक बार भी डालते हो नो प्रॉब्लम, हफ्ते में एक बार छुट्टी, एक दिन खाना मत डालो, बट अगर पांच फिश है तो 10 दाना। नाउ ये क्या होता है, कभी कभी बड़े फिश जल्दी खा लेते हैं, छोटे फिश को नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा इधर उधर करके डालिए। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो मेरा एक वीडियो है 1-2-4 फॉर्मूला करके, आप देख सकते हो। बट अगर आप ट्रॉपिकल ट्रीट्स, हमारा लाइफ आयु का ट्रॉपिकल ट्रीट्स खिलाते हैं तो ये डिजाइंड है कलर एनहेंसिंग एंड इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वेजीज एंड नॉन वेज दोनों है, बट ब्राइन श्रिम्प, डाफनिया, ब्लड वर्म्स, अगर ये सब हफ्ते में एक दो बार आप खिला पाओगे तो बहुत अच्छा है उनके लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा लाइव फूड एंड पैलेट फूड दोनों मिक्स करके खिलाओ, ओके? एंड प्लीज ओवर फीड मत करो, बिकॉज फिश आके बैठते हैं, सामने आते हैं, आप हाथ लगाते ऊपर आते हैं, तो खाना देने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ओवर फीड कभी मत करो, ओके? नाउ स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये क्या साइज होना चाहिए टैंक का और कितने फिश आप रख सकते हो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट टैंक का सेटअप कैसे होना चाहिए? टैंक का सेटअप थोड़ा प्लांटेड होना बेटर है, वुड, स्टोन, अनुबियास, फर्न्स, ओके? ये नेचुरल है उनके लिए, ये कुदरती है। मोस्ट टेट्रास साउथ अमेरिका से आता है, साउथ अमेरिकन रिवर्स में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं जिसके नीचे वो छुपते हैं, ठीक है? ये सब उनके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज स्ट्रेस नहीं होता है। अगर आप ओपन टैंक में रखते हो तो स्ट्रेस आउट जल्दी हो जाएंगे और मरने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, तो एक अच्छा सेटअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये सेटअप हमने एक्चुअली सैंड वाटरफॉल के लिए किया था, वो वीडियो आप अलग से देखोगे, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, है कि नहीं? ठीक है, वो बहुत मजेदार वीडियो है, देखना। सो टैंक सेटअप नेचुरल होना चाहिए, ठीक है? जितना आप नेचुरल रख सकते हो उतना ब्यूटीफुल वो फिश रहेगा, लंबा जिएगा, ओके? नाउ इन ग्लो फिश के टैंक मेट्स कौन से? दूसरे टेट्रास, कार्डिनल टेट्रा या रैसबोरास, ऑफकोर्स एलिगेटर्स, प्लेकोस। अगर सेम साइज के हैं तो टाइगर बाब्स भी रख सकते हो, बट ध्यान रखो बिकॉज दोनों थोड़ा एग्रेसिव है तो एक दूसरे को मार सकते हैं, बट टाइगर बाब्स भी रख सकते हो अगर टैंक बड़ा है तो। फिर नियॉन टेट्रास है, ड्वार्फ सिक्लिड्स है, ड्वार्फ सिक्लिड्स अगेन साउथ अमेरिका, पिस्टोगामास या कोई भी स्मॉल साइज सिक्लिड्स जो है वो भी रख सकते हो बिकॉज वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, ठीक है? आप एंजल्स भी रख सकते हो, बट यूजुअली अगर एंजल्स बहुत बड़ा हो गया तो टेट्रा को बगाएंगे, बट रख सकते हो, ओके? एंड ऑफकोर्स एम्परर टेट्रा, ब्लैक नियॉन टेट्रा, ये सब भी आप रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके अलावा आप ड्वार्फ गोरामी रख सकते हो, हनी गोरामी रख सकते हो, जो स्मॉलर साइज गोरामीज है वो भी रख सकते हो, इनके साथ आराम से घूमते फिरते रहेंगे बिकॉज गोरामी आप अकेला रख सकते हो, एंड गोरामी भी माइल्डली अग्रेसिव है तो ये लोग उसका फिन निप कर नहीं सकते एंड उसको तंग नहीं कर सकते, बट इट इज पॉसिबल गोरामी भी रख सकते हो। ये वाले ग्लोफिश बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड है या री इंजीनियर्ड है, ब्रीड कर सकते हैं क्या?
हाँ ब्रीड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था आपको कि ये या इनका जो प्राकृतिक या कुदरती स्वभाव सेम है, ठीक है, बदला नहीं है, सिर्फ कलर, एक जीन जो कलर को एनहांस करता है वो मॉडिफाई हुआ है, बाकी सब सेम। सो ये ब्रीड भी कर सकते हैं, ओके, इनके बच्चे भी होंगे लाइक एनी अदर टेट्रा, ओके, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट मेल फीमेल कैसे पता चलेगा? बहुत मुश्किल है, इनका मेल फीमेल देख के पता करना बहुत मुश्किल है। यूजुअली फीमेल थोड़ा तगड़ी और मोटी हो जाती है जब स्पॉनिंग या अगर अंडा है तो, मेल थोड़ा बहुत स्लिम रहता है एंड थोड़ा सा छोटा भी रहता है, पतला रहता है। बट दैट ओवर टाइम आपको देख के समझना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा कोई ये नहीं है कि ये मेल है ये फीमेल है, बट वो ब्रीडिंग टाइम या स्पॉनिंग टाइम जब होता है तब आपको फीमेल का पेट देख के पता चल जाता है, बिकॉज उसमें अंडे होते हैं। नाउ ये अंडा डालते हैं, अगर ब्रीड हुआ तो अंडा डालते हैं। नाउ अगर ये कम्युनिटी टैंक में अंडा डालेंगे तो बाकी टेट्रा या बाकी फिश वो अंडे को खा जाएंगे, या प्लेकोस भी वो अंडे को खा जाएंगे। तो अगर आपको एक टाइम नजर आता है कि ये दो फिश ब्रीड कर सकते हैं तो देन वो फिश आप अलग कर ले तो आपको ब्रीडिंग का पॉसिबिलिटी भी है। सो नाउ आज आपने काफी सारे पॉइंट्स ग्लो टेट्रा या ग्लो फिश टेट्रा के बारे में आपने मेरे से सुना, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, जब आप खरीदने जाओगे, ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम है, जब आप खरीदने जाओगे तो आप टैंक उठाओ, लाइट उठाओ, फिल्टर उठाओ, घर में लेके आओ, सब टैंक में डालो, नहीं, पहले आप टैंक खरीदोगे, फिल्टर खरीदोगे, उसको साइकिल करोगे, रन करोगे, फिर जाके फिश खरीदोगे। फिश खरीदने टाइम ये देखें कि फिश बहुत एक्टिव है, और जरूर पूछें शॉपकीपर को कि वो क्या खाना खिला रहे हैं, एंड ऑल्सो ये देखें कि उनका टैंक क्लीन है। अगर टैंक गंदा है तो वहां से फिश मत खरीदो, वो ऑटोमेटिकली बीमार ही आता है आपके पास। नाउ एक्लिमेटाइजेशन के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया है कि कैसे एक्लिमेटाइज करते हैं फिश लेके आने के बाद। वाटर मैच करना है, फिर एक दो दिन खाना नहीं देना है, फिर खाने के साथ न्यूट्रोप्लस अगर आप देते हो, हमारा एपीआई का न्यूट्रोप्लस बहुत चमत्कारी मेडिसिन है, अगर आप देते हो तो जो इंटरनल पैरासाइट वगैरह है शॉप में रखने के वजह से वो सब मर जाएंगे, फिश हेल्थी हो जाएंगे, ओके। न्यूट्रोप्लस ऑल्सो कलर एनहांस करता है, ओके। टैंक में आप जब फिश डालते हो एक्लिमेटाइज करने के बाद, देन मेक श्योर ऑक्सीजन लेवल्स अच्छा है, पानी में क्लोरीन नहीं होना चाहिए, रेगुलरली आप वाटर चेंज करें, ओवर फीड ना करें, ठीक है, अननेसेसरली फीड ना करें, एंड गुड क्वालिटी फूड खिलाएं, फूड क्वालिटी का होना चाहिए। नाउ ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि सिंकिंग पैलेट्स या फ्लोटिंग पैलेट्स, इनके लिए सिंकिंग पैलेट्स बेटर है बिकॉज ये जाके नीचे से खा लेंगे, नॉट एन इशू, ठीक है। फ्लोटिंग पैलेट्स ना खिलाए, ब्लोट होने का चांसेस ज्यादा होता है इनमें। नाउ हमने जिन पॉइंट से शुरू किया था, जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में तो डिस्कस कर ले, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट था कि ग्लो फिश लाते ही जल्दी मर क्यों जाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बिकॉज आप टैंक साइकिल नहीं करते हो, क्लोरीन रहित पानी नहीं यूज करते हो, एंड एक्लिमेटाइज नहीं करते हो। जब शॉप से आप लेके आते हो तो वो पानी हमें नहीं चाहिए, आपके पानी में फिश सेट होना चाहिए, एक्लिमेटाइज मतलब सेट होना। तो ये अगर आप करोगे, ठीक से करोगे, उसके लिए वीडियोस है आप देख सकते हो, देन आपका फिश जल्दी नहीं मरेगा। नाउ दूसरा, लाते ही खाना मत खिलाओ, एक दो दिन चुप रहो ना, कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 24 आवर्स कुछ मत खिलाओ, ओके, तब फिश सेट होने के लिए उनको टाइम मिलेगा। आप फटाफट खाना डालोगे वो खाएगा, जब सेट नहीं है तो पेट खराब होगा और मर जाएगा। एंड ऑफकोर्स नेवर ओवर फीड, ये तो मैं बार बार बोल चुका हूं। नाउ अगला पॉइंट, जनरली जो क्वेश्चन आता है मुझे कि मेरा ग्लोफिश खाना नहीं खा रहा, ये भी मैंने आपको बताया है, बिकॉज आप जो खिला रहे हो सकता है कि उसको उस फूड का आदत ही नहीं है, शॉप में कुछ और खिला रहे हो सकता है, शॉप में ब्लडवर्म्स वगैरह खिला रहे होंगे, आप पैलेट फूड खिला रहे हो, तो वो एडजस्ट होना टाइम लगता है। बट चलो आप ब्लडवर्म्स नहीं ला सकते हो, आपको पैलेट फूड खिलाना है। नाउ दिस इज वेयर
एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस फिर से हेल्प करता है, बिकॉज आपने एक दिन या 24 आवर्स को इनको भूखा रखा है तो वो ऑलरेडी भूखे हैं, उनको खाना चाहिए। एंड जब आप न्यूट्रोप्लस जैसा क्वालिटी सप्लीमेंट के साथ फूड देते हो, कोई भी फूड हमारा हो या कोई भी हो, देन वो फटाफट वो खाने को एक्सेप्ट करेंगे एंड उनको वो धीरे धीरे आदत लग जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एंड वो खाना खाएंगे, बट खाना ना खाने का और भी रीजंस है, इसके लिए एक पूरा वीडियो भी है, आप देख सकते हो, व्हाई फिश स्टॉप ईटिंग फूड करके वीडियो है, आप देख सकते हो। बट क्विकली मैं समराइज करता हूं, बिकॉज पानी टेम्परेचर ठीक नहीं है, ओके, बिकॉज पानी क्वालिटी ठीक नहीं है, आपका पास फिल्टर नहीं है, पानी नाइट्रोजन साइकिल नहीं हो रहा है, फिश बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, ये सब रीजंस के लिए फिश खाना छोड़ देता है या खाना नहीं खाता। ओके, एंड सेम रीजंस के लिए वो जाके नीचे बैठ जाता है। नाउ और भी पॉइंट्स या क्वेश्चंस थे कि वो बच्चे डालेंगे क्या, या यू नो कितना साल जीते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, वीडियो में है, आप देख सकते हो। सो नाउ अगेन, क्या मैं ये फिश अपने टैंक्स में डालूंगा? शायद नहीं, मैं भी थोड़ा पुराना जमाने का ही हॉबीस्ट हूं और मुझे कुदरती चीजें ज्यादा पसंद है, कुदरती फिश या कुदरती लुक ज्यादा पसंद है। बट नए हॉबीस्ट के लिए ये अच्छा फिश है, इजी टू कीप है, इजी टू मेंटेन है एंड बहुत कलरफुल है, हॉबी के लिए भी बिकॉज ऑफ द कलर इंटरेस्टिंग लगते हैं, छोटे बच्चे भी हॉबी में आ सकते हैं इन फिश के वजह से। सो ये फिश अच्छे हैं, ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने ग्लो फिश टेट्रा या ग्लो स्कर्ट टेट्रा या अगेन ग्लो डायनियो ग्लो बेटा, जो भी ग्लो फिश वगैरह है, इन सब के लिए ये पॉइंट्स लागू होते हैं एंड आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा, देखा, जाना, समझा और बहुत मजा लिया। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। भाई साहब जल्दी आएंगे, हाँ, सैंड वाटरफॉल एक्वेरियम के साथ, इसी एक्वेरियम में सैंड वाटरफॉल होने वाला है, मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, तो ट्यून रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मजा लो, एंजॉय एंड बाय बाय, जल्दी मिलते हैं, चलो।